माता पिता ने यह पांच बातें बच्चों के दिमाग में नहीं डालना चाहिए। चलो इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, अकोला, पुणे यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। कभी सारे माता पिता हमारे पास में आते हैं और उनके बच्चे बड़े होने के बाद में उनको काफ़ी प्रॉब्लम आता है। 17, 18, 19 साल के जब होते हैं तब उनको प्रॉब्लम दिखाई देता है और तब तक काफी लेट हुआ रहता, तब तक ब्रेन पैटर्न बन जाता। एक बार ब्रेन पैटर्न बन गए फिर उसको चेंज करना मुश्किल हो जाता। छोटा बच्चा जब है वो 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल का है तो वो मिट्टी का गोला है, गिल्ली मट्टी, उसको जैसा भी मोड़े वैसा मोड़ सकता है। तो माँ बाप ने क्या चीजें, कौन सी पांच चीजें ऐसी है कि जो माँ बाप नहीं करेंगे या करेंगे तो क्या होगा, वो हम देखेंगे आज। नंबर 1, बच्चों को जो उन्हें मांगा वो तुरंत नहीं देना चाहिए। क्या होता है उससे फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस जो है वो बढ़ता नहीं है। माँ बाप को ऐसा है कि मुझे नहीं मिला मेरे बचपन में तो मैंने मेरे बच्चों को देना चाहिए, जो मांगा वो फटाक से दिया, फटाक से दिया, जो मांगा वो दे दिया, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस तैयार नहीं होता, मतलब धीरज नहीं तैयार होता, अधीर हो जाता बच्चा। फिर बड़ा होने के बाद में बहुत अधीर होता है और फिर उसको जब चाहे वो जो चाहे वो उस समय मिलना चाहिए ऐसा उसको लगता है, और नहीं मिला तो फिर वो नहीं मिला तो फिर वो एकदम डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि वो टॉलरेट नहीं कर सकता कि वो चीज़ चाहिए और नहीं मिली। तो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बढ़ाने के लिए बच्चों को कभी देना है कभी नहीं देना है उसको बोलना ठीक है कल देंगे, चॉकलेट आइसक्रीम कल देंगे, अभी कभी आपने मांगा है, अभी रोना धोना नहीं करना है, गिरना नहीं, रोने का नहीं, मारपीट नहीं, कुछ नहीं करने का, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, ताकि वो जो उसको प्लेजर जो है, प्लेजर चाहिए, खुशी चाहिए, इमीजिएट चाहिए, वो उसकी आदत वैसी बनेगी नहीं, बड़ा होकर वो धीरज रख सकेगा। नंबर 1। नंबर 2, बच्चों को हमने ऐसा बना दिया कि भाई तुमको ये जमेगा नहीं, तू ये मत कर, वो मत कर, तेरे से ये होगा नहीं। समझो घर में कोई मेहमान आ गया, आपने उसको बोला कि ठीक है ये तू पानी उनको पिलाओ या चाय पिलाओ, और उसने उनके हाथ में कब्बसी दे दिया और उसने वो गिरा दिया, आप उसके ऊपर चिल्ला रहे तो होगा क्या? उसको ये दिमाग में बैठ जाएगा कि मैं वो लायक नहीं हूं, मैं ये कर नहीं सकता, ये मतलब चाय पिलाना वो भी नहीं कर सकता, वो भी कब्बसी गिरा दिया और तोड़ दिया मैंने, तो उसका क्या होता है? उसका फिर लो सेल्फ एस्टीम तैयार, खुद के बारे में एक मत कम तैयार हो जाता, आत्मसम्मान कम हो जाता है, क्योंकि 2-4 बार भी ऐसा हो गया तो वो दिमाग में फिट बैठ जा रहा है कि मैं वो लायक का नहीं हूं, तो वो नहीं करना चाहिए। उसका इंसल्ट करना, उसको जमता नहीं है तो ये नहीं कर सकता, ऐसा क्यों किया, गलती हो गई तो उसको बहुत झापना, मारना, पीटना, ऐसा भी लोग करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। नंबर 2। नंबर 3 की बात है कि भाई सब कुछ पेरेंट्स करके देते हैं, माँ बाप, माँ तो बिल्कुल मतलब हाउसवाइफ है तो वो सब कुछ कर देगी बच्चे के लिए, उसको उठाना, उसको खाना भी खिलाना, अपने यहाँ से मुंह तक लेके जाना, फिर उसने निवाला गिलने का है, निगलने का है, या फिर उसको स्नान करवा के देना, उसकी बैग भरवा के देना, उसको ऑटो तक लेके जाना गाड़ी तक, या गाड़ी पे छोड़ देने का, मतलब सब कुछ, तो हर चीज़ के लिए वो माँ के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसको कुछ खुद करने की ऐसी इच्छा नहीं होती, वो उसमें उसकी मसल बिल्ड नहीं होती, बड़ा होने के बाद में भी वो ऐसे होता है डिपेंडेंट, लोगों के ऊपर डिपेंडेंट बन जाता है और खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको आती नहीं। तो ये हमने डालना चाहिए कि सब कुछ करके माँ के ऊपर बहुत डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहिए, ये टालना चाहिए। उसको बड़ा हो गया तो उसको करने दो, उसके आसे गिर जाएगा, नहीं करेगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, सिखा उसको, ये तीसरी बात। चौथी जो है कि बड़ा होने के बाद में कुछ हम लोग देखते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल, मतलब वो कब कुछ क्या करेंगे मालूम नहीं होता, ऐसे कुछ लोग हैं, उसका जड़ जो है बचपन में है। जड़ बचपन में कहता है कि माँ बाप बच्चों के लिए क्या करते हैं कि कभी देंगे नहीं, और उसको ये समझता नहीं कि कल मेरे को चॉकलेट दिया था आज नहीं दिया, आज उसको बोला नहीं देते जा, और उसको समझा नहीं देंगे कि आज क्यों नहीं दे रहे, या उसको कल आइसक्रीम खिलाया नहीं, या पिछले हफ्ते बाहर लेके गए थे आइसक्रीम खिलाया, या हफ्ते बाहर गए और उस आइसक्रीम मांग रहा तो उसको देंगे नहीं, उसको कारण बताएंगे नहीं कि क्यों नहीं दे रहे, तो उसको ये समझ में नहीं आता कि पिछले बार दिया था आज क्यों नहीं दे रहे, तो वो अपने अपने मतलब ख्याली पुलाव बनाएगा, उसके दिमाग में कुछ तो भी अपनी स्टोरी बना देगा, उसको समझेगा नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर इसके साथ साथ समझो उसने बोला, छोटे बेटे ने बोला आपको आइसक्रीम दो, आपने नहीं बोला, और बड़े ने बोला कि मुझे आइसक्रीम होना है, और तब समझो माता पिता ने ठीक है चलो ले लेते, दोनों भी बोल रहे तो ले लेते। अब उसको ये समझना है छोटे वाले को कि मैंने जब बोला आइसक्रीम होना तो नहीं दिया, बड़े वाले ने बोला तो दे दिया, तो उसको लगता है कि ये क्या हो रहा है, तो उसमें वहां से तैयार होती अनप्रेडिक्टेबिलिटी, माँ बाप के वो माँ बाप से लेता है अनप्रेडिक्टेबिलिटी कि भाई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि माँ बाप कैसा बिहेव करेंगे, फिर वो वहां से वो ले लेता है। अनप्रेडिक्टेबल मतलब आप कैसा बिहेव करेंगे, कैसा बर्ताव करेंगे, कुछ बोल नहीं सकते, बड़ा होने के भी ऐसे ही करता है, अनप्रेडिक्टेबल। ये चौथा हो गया। पांचवा है कि समझो उसको बिना कारण, कोई कारण नहीं है और उसको अलग से रख दिया, उसके तरफ ख्याल नहीं दिया। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे चिढ़ते हैं, चिल्लाते हैं, उनको लगता है कि मेरे तरफ ख्याल देना चाहिए, तो हमने उस समय ख्याल नहीं दिया, उसको बाजू में रखा, एक तो वो जानबूझ के हो सकता है, कभी कभी
दो चार बच्चे खेल रहे, एक की तरफ हमने ख्याल ही नहीं दिया, या ऐसा कुछ हो गया, बहुत बड़ा हादसा हो गया, उसको चॉकलेट नहीं दिया, उसको आइसक्रीम नहीं दिया, उसको या खिलौना नहीं दिया, बाकी बच्चों को दिया, उसके तरफ ख्याल नहीं दिया, ऐसा कुछ कुछ भी हो सकता है ऐसा रोज के व्यवहार में, उसके दिमाग में ये हो जाता है कि मैं ये लोगों में का नहीं हूँ, मैं उनमें का नहीं हूँ, और मैं कुछ तो भी अलग हूँ, मेरे में कुछ तो भी कमियार में अलग हूँ, तो वो लोगों में का मैं नहीं हूँ, मैं कुछ तो भी अलग हो गया हूँ, ऐसा उसको लगता है और अपने आप को वो अलग महसूस करने लगता है, अलग हूँ। और फिर ऐसे बच्चे जो है वो किसी में मिल सकते नहीं है, मिलजुल सकते नहीं है, मतलब बड़े होने के बाद में सबके साथ में काम नहीं कर सकते हैं, उनको लोगों के ऊपर अविश्वास तैयार हो जाता है और सोशल प्रॉब्लम उनको होता है। दूसरा ये होता है नेक्स्ट, तो ये उसको लगता है कि नहीं मैं उनमें का नहीं हूँ, तो ये पांचवा हो गया। और छठवा जो है कि समझो उसको जो चाहिए वो मिला नहीं, माँ बाप से कुछ मिला नहीं, बहुत बड़ा ऐसा कुछ भी ऐसी कुछ भी घटना होगी उस समय उसको समझो वो भूल गया, मतलब रास्ता भूल गया, कहीं बाहर गए और वो मेले में गए या कहीं पिक्चर देखने गए या बाजार में गए, रास्ता भूल गया और वो भटक गया, माँ बाप एक तरफ बच्चा एक तरफ, ऐसा कभी घटना हो गई, या उसको कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि नहीं मेरे माँ बाप कहाँ गए मालूम नहीं है, ऐसा कुछ तो भी ऐसा घटना हो जाती है, या माँ बाप दूसरे कार में है, बाकी अपने बच्चे और कार में है, मालूम नहीं बच्चे को कि माँ बाप अपने पीछे से आ रहे हैं आगे के कार में, उसको लगता है कि बाप रे मेरे माँ बाप मेरे यहाँ से टूट गए, यहाँ अभी नहीं है मेरे साथ में और मैं अकेला हूँ, अब मुझे अकेला ही करना पड़ेगा जो भी कुछ है, अभी मेरे को माँ बाप ने छोड़ दिया, ऐसी कुछ तो भी घटना हो जाती है। मैंने पहले बताया बच्चों का दिमाग जो है ना मिट्टी का गिली मिट्टी का गोला है, उसको ऐसा लगा कि मेरे को माँ बाप ने छोड़ दिया क्या, माँ बाप नहीं दिख रहे हैं, ऐसी कुछ तो भी घटना होगी, उसको लगता है कि अभी मैं अकेला हूँ और मुझे ही अभी जो कुछ करना है वो करना पड़ेगा, और वो बन जाता है बड़ा होकर इंडिपेंडेंट और वो सब कुछ अकेला करेगा बड़ा होकर, और फिर वो किसी के साथ में किसी को कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, किसी को मदद नहीं करेगा, किसे मदद नहीं लेगा, थोड़ा ऐसा इंट्रोवर्ट जैसा रहेगा, है ना, कोई टीम में कहीं जाएगा नहीं, वो उसको लगता कि नहीं मैं अकेला करूँगा और मैं अकेला ही कर सकता हूँ, तो मैं अकेला ही हूँ और अकेला ही मुझे जीना है, ऐसा उसको लगेगा। फिर उससे किसकी पट्टी नहीं है, शादी होने के बाद में भी उसको प्रॉब्लम आता है, उसको पटेंगे नहीं, वो अकेला ही सब कुछ करेगा, किसको कुछ बोलेगा नहीं, लोग सपोर्ट करना चाहेंगे तभी भी वो किसको कुछ मांगेगा नहीं। तो ऐसे ये छह अलग अलग हमने पॉइंट देखे, तो ये हम बच्चों के ऊपर ऐसे संस्कार करते हैं तो डेफिनेटली ये आगे चल के प्रॉब्लम कर सकते हैं, आगे चल के उनके जीवन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो माँ बाप में माता पिता ने ये टालना चाहिए कि हम उनके ऊपर संस्कार क्या कर रहे हैं, किस तरह के डायलॉग कर रहे हैं, किस तरह के कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, और बहुत सोच समझ के, जैसा सोना तोल के देते हैं ना सोना, एक 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 मिलीग्राम भी बिल्कुल तोल के देते हैं, वैसा तोल मोल के बोल बच्चों के लिए होना चाहिए और वो जरूरी है, क्योंकि कुछ भी हम बोलते हैं उसका असर बच्चा बड़े होने के बाद में उसके ऊपर आते रहता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सभी माता पिता को शेयर करो, ताकि बच्चों के परवरिश में उनको ये काम में आएगा और आगे चल के बड़े बच्चे जब होते हैं तब एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे, एक बैलेंस पर्सनैलिटी बन पाएंगे। Thank you very much.